इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740। थाना सदर में नाथ समुदाय के बाबा चैतन्य नाथ की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया और उनके एक शिष्य को पकड़ गिरफ्तार किया है। इस पर हिंदू संगठनों को एवं पारिवारिक जनों को विश्वास नहीं है। भारतीय हिंदू सेवा संस्था के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में बाबा चैतन्य नाथ के परिवारजन और कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नाम आगरा जिलाधिकारी को सौंपा और कहा अगर 7 दिन के अंदर पुलिस ने असली हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है। मैं महंत योगी चेतन नाथ जी का बड़ा भाई हूँ जिनकी बेरहमी से हत्या किया गया। 10 तारीख की उसकी हत्या हुई थी। 12 तारीख को डेड बॉडी के लिए महंत दीदारनाथ जी ने मेरे छोटे भाई को खबर दिया कि तुम्हारा भाई मर गया है समाधि पे। उन्होंने लाश को निकाला, देखने में लगता है आप फोटो दिखाएंगे आप, उनको बेरहमी से हत्या की गई। लेकिन उन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी ना हम लोगों के, मेरा सीधा साधा एक भाई था उनको था, उनको बुलाया, माँ को बुलाया, बात मुझे उन्होंने फ़ोन नहीं किया और उन्होंने समाधि दे दी। खुशी खुशहाली मनाते हुए उन्होंने तीजा किया, भंडारे किया, सबको 1000-1000 रुपये बांटा, साधुओं को संतों को सबको उन्होंने बांटा। उसके बाद फॉर्मेलिटी के रूप में समाधि के बाद एक 4 लाइन का एप्लीकेशन थाने पे दे आए ताकि हम आरोपित। मैं कहता हूँ जो हत्यारा पकड़ा गया अक्षय गुप्ता उर्फ नाथ जो है, वो हत्यारा जो है एक साल तक महंत ये दीदारनाथ जी के आश्रम में रहा था, उनका सेवा किया। असली मुजरिम महंत जी हैं, दीदारनाथ जी उर्फ मान सिंह बदमाश, जो जिनकी अगर जो प्रशासन खंगाल ले उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि 1975 से लेके 1985 तक उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि छत्ता थाने में, उनको पहले थे अरविंद जैन एसपी सिटी, उनको एनकाउंटर के लिए ढूंढ रहे थे, रातों रात उन्होंने कान फरवा लिया अपने आप को बचाने के लिए और साधुओं ने उनको बचा लिया। मुझे शक है मेरी भी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार की किसी की हत्या हो सकती है। मैं आगरा के समस्त जनता से, आगरा के समस्त मीडिया बंधु से, खासकर आज मनोज अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राखी अग्रवाल जी, मथुरिया जी, सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे पीड़ित परिवार को आपने न्याय दिलाने का प्रयास। जो आपको धमकियाँ दी जा रही हैं वो किन लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है, किस तरीके से दी जा रही है? मौखिक रूप से इनके बहुत सारे बदमाश हैं दीदारनाथ जी के उर्फ मान सिंह बदमाश के। पहले वो बदमाश थे फेमस, अब उनने सफ़ेद पोश पहन लिया, कान में कुंडल डाल दिया, अब वो खुद करते नहीं हैं, इन्होंने हत्या करवाई है। मुझे पूरा शक है, मैं प्रशासन से भी मांग करूँगा। बाई नेम्ड मैंने आज एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री केशव चौधरी जी को, एसीपी सूरज राय जी को, मैं और माँ बाय नेम्ड मैंने आवेदन दे के आया हूँ। सुने नहीं, मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि हमारे साथ न्याय मिले, हमारी माँ को न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले। माँ ने अपना बेटा खोया है, संत देने के लिए, संत बनने के लिए, संत अपने बेटे को जब 7 साल की उम्र में बच्चे को उन्होंने दे दिया, हमने अपने भाई को दे दिया मारने के लिए नहीं, मेरे भाई को मारा गया है, हर बेरहमी से हत्या किया गया है, मैं कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या है, क्या ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं? मेरा साथ मुन्ना मिश्रा जी का 30 साल पुराना है। मुझे बड़ा कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुन्ना मिश्रा जी के भाई महाराज चेतन नाथ जी का जिस निर्मता से उनकी हत्या की गई, उसके लिए जिला प्रशासन ने उस समय कोई खोर खबर नहीं ली। जब हम लोगों को ये पता लगा कि उनकी जगन हत्या हुई है, तो हम मुन्ना मिश्रा जी को साथ लेकर एडीसीपी माननीय केशव चौधरी से मिले थे और इसकी जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये तथ्य खुल के आ गया कि वास्तविक उनकी हत्या की गई है।
कान में जो कुंडल पहनते थे उनको खींचा गया, उनके गले को तार के द्वारा दबा के उनको मारा गया, और जब समाधि से जब डेड बॉडी को हमने निकाला तो वो चीज़ तब हमारी सामने आई जो हमने प्रशासन से कहा था। आज मैं डीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने आया हूँ, और उसमें मैंने एक मांग, मैंने अपनी मांग रखी है, मेरी माँ है, अबला है, गरीब है, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी हत्या की है मेहनती जी की, वो हिस्सी सीटर बदमाश हैं, न जाने कितने करोड़ों की संपत्ति अब तक बेच के खा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें बादी माननीय मुन्ना मिश्रा जी हैं, उनके सगे भाई, उनको धमकियां मिल रही हैं। अगर मेरी माँ की, मेरे भाई मुन्ना मिश्रा की अगर हत्या होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसके साथ मैंने डीएम साहब से बात अपनी रखी है, डीएम साहब मुझे नहीं मिले, एसीएम सेकंड जी ने उसे ज्ञापन लिया है, और मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर मुन्ना मिश्रा की या मुन्ना मिश्रा जी की माताजी जो मेरी माँ लगती हैं, या उनके परिवार की किसी की भी हत्या होती है, उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे संगठन का पूरा, मेरे ऊपर पूरा सहयोग है, संगठन के लोग के साथ मैं कार्यकर्ता बनकर आया हूँ, यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बनकर नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है, साथ दिया है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ता बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और अगर इस मामले को 7 दिन तक खोला नहीं गया तो मुझे दोबारा आने पर बाध्य होना पड़ेगा। मैं राखी अग्रवाल, भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की मात्र से अध्यक्ष। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी, कितनी मांगे थी आप? देखिए, कलेक्ट्रेट हम आए हैं क्योंकि हमें हमारे प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का विषय ये है कि जो हमारे चैतन्य महाराज जी की जिस गुप्त रूप से रहस्यमय हत्या हुई है, उस हत्या का खुलासा करा जाए, जो कि आप देख रहे हैं पहले उनको किस तरीके से उनके शिष्यों ने उनकी मौत पे उनको समाधि दे दी गई थी, लेकिन जब समाधि के बाद उनके भाई ने और परिवारजनों ने दोबारा से पोस्टमार्टम कराया तो उस चीज का मतलब मर्डर का पोस्टमार्टम में भी खुलासा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि एक तरफ तो हमारे योगी जी और मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में लगे हुए हैं, तो क्या हिंदुत्व क्यों ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? हिंदू हम होकर, हिंदुस्तान में रहकर, क्या हिंदू के लिए ही ऐसा अत्याचार होगा? क्या उसी के लिए गुप्त रूप से रहस्यमय इस तरीके से हत्या होगी? अगर प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया तो हम लखनऊ तक जाएंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी कैसा भी धरना प्रदर्शन करना चाहे, भारतीय हिंदू सेवा संस्था सदैव सड़क पे उतरे।